4-5 साल का था लड़का मेरा, ये बोल नहीं पाता था, और स्कूल उसको नाम लिखा दिया, लौटा दिया गया, नाम काट दिया गया स्कूल से। उसके बाद डॉक्टर साहब से आके हमने मिला, डॉक्टर साहब का नहीं बोलेगा लड़का, इलाज किया मैंने 6-7 महीने तक लगातार इनका, तो ये बोलने लगा। फिर अगले साल मैंने इसका नाम भी लिखा दिया, फिर दवाई इसकी करते रहे डॉक्टर साहब से फिर हमेशा। फिर उसके बाद चले गए हम अपने बाहर लुधियाना उधियाना, तो फिर वहाँ से आए तो फिर इनसे मुलाकात हुई 10 साल के बाद डॉक्टर साहब से, फिर इनको लेके आए, इनकी एक मर्ज और आ गया तो उसमें इनको दवा करने के लिए फिर लाए। लेकिन वो जो समय था, उस समय जब आप बूढ़ी में लेकर आए, उस समय तो बहुत परेशान थे हम, डॉक्टर साहब बहुत इलाज किया इधर उधर, तब यहाँ आके होम्योपैथिक के इलाज ही ये डॉक्टर साहब ने, समझ लिए भगवान का रूप बन के आ गए थे। और उसके बाद हम एलोपैथिक कहाँ कहाँ मैंने बहुत जगह दिखाया, मेडिकल कॉलेज में दिखाया, बलरामपुर अस्पताल दिखाया, है ना, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर उमंग खन्ना को मैंने दिखाया फिर यहीं पे, उसके बाद इलाज इन्हीं ने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, हाथ पैर से भी कमज़ोर था ये बहुत, तो हाथ पैर की भी दवा चलाई इन्हीं ने, पूरी शरीर इसकी ठीक कर दी थी। इसको उस समय सुमित को सिंड्रोम हुआ करता था, जिसमें इनको बोलने की दिक्कत, हाथ बहुत वीक थे, हाथ पैर इसके मुड़े थे। हाँ, ऐसा था, मुझे भी बहुत ज्यादा, क्या ये हाथ पैर मुड़े थे, ये यूं थे, और अब ये आज बिल्कुल सही हाथ पैर इनके, पूरा 360 डिग्री हाथ, अब मुझे ये सब भी याद आ रहा है, क्योंकि विशेष तो बोलने की पर्चे रखे हैं अभी तक मेरे पास, ये बोल नहीं पाते थे, और अब ये जो है वो बोल भी रहे, इनके हाथ पैर भी सही हो गए, इनका पूरा वो सिंड्रोम सही हो गया। हाँ, ये हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है, और शायद इस क्लिनिक की जो तरक्की है वो आप सबकी दुआएं उसमें शामिल है। ये लोग समाज के गरीब लोग हैं। हाँ, पैर से भी ये यूं टेढ़े थे, पैर भी हाथ भी टेढ़ा था, तो यहाँ तक मेडिकल कॉलेज तक मैंने दिखाया इसको, सब जगह दिखाया, कहीं नहीं फायदा हुआ। तो आपने एक दवा दी थी 350-350 रुपये की, वो ये कहा था पूरे शरीर की है, तो वो दवा मैंने ले गए थे, पिलाया था, उससे बहुत फायदा हुआ था। तो ये अपनी कोशिश हमेशा से रही है कि कोई आए, जरूरतमंद आए, कोई आए, उसको फायदा मिला। नहीं, डॉक्टर साहब आपका नाम भी मैंने बहुत सुना है, हम यहाँ तक का चौपटिया तक गए हैं, है ना, हुआ भी एक जने हमसे, तो हमने कहा उनको तो मैं जानता हूँ आज से नहीं, बचपने से जानता हूँ डॉक्टर साहब को, कहीं नहीं फिर कहीं ना जाना हो। और अब आपको सुनवाते हैं सुमित की जुबानी सारी बातें, जो बोलना बोल नहीं पाता था 5-4 साल के वक्त में, वो आज पूरी बात करता है, पढ़ाई कर रहा है, क्लास में टॉप कर रहा है, और बिजनेस करने की इच्छा रखता है। सुमित भाई के आप जुबानी इनकी बात सुनिए। जब हम 5 साल के थे, जब हम बोल नहीं पाते थे, अब बोलने लगे, और स्कूल में पढ़ते हैं, और हाथ पैर बिल्कुल अब फिट हो गए, हाथ पैर फिट हो गए, अब सही है एकदम, डॉक्टर साहब ने सही कर लिया, और एक स्मार्ट व्यक्ति के रूप में शामिल है। थोड़ा ये कम बोलते, क्योंकि इनके एक जेनेटिक सिंड्रोम था, वो इस क्लिनिक पे सही हुआ है, तो आज भी इनकी कम बोलने की आदत वैसे ही है, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे अब पूरा बोलते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बहुत बोलते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती, अभी ये इतना स्टूडियो का माहौल, एकदम से लाइट लग गई, कैमरा है, तो ये इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये बोलते हुए दिख रहे हैं। तो यही डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक है आपके सामने, बहुत दूर नेट तक जाएगा, और हम इस बच्चे के और पिताजी के और पूरे परिवार के सफलता की कामना करते हैं, और हमने बहुत आशीर्वाद आपको दिया, इन लोगों को हमेशा जो है सब चीज मिलती रहे, बच्चा ठीक रहे, इसकी कामना करते हैं, और सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया के बात पर चलते हुए पूरा समाज स्वस्थ रहे, ये कामना करते हैं, और इसी के लिए शायद हमने वो वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने हर मर्ज की दवाएं आपको बता दी है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग हमसे वीडियो देख के दवा ले लेते हैं, लेकिन जो दवा नहीं लेते उनके लिए भी उसमें बहुत कुछ है, जो हमसे दवा नहीं लेते वो भी सही दवाएं जान जाते हैं, उससे ज़्यादा जो डॉक्टर है, तमाम डॉक्टरों के चिकित्सकों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस मर्ज में क्या दवा दे, आपकी दवा दी इससे बहुत फ़ायदा हुआ, इससे हमको बड़ी जानकारी मिली। तो चाहे BHMS पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, और चाहे लेक्चरर हो, सब लोग इन वीडियो से फ़ायदा लेके दवा कर रहे हैं, हमें फ़ोन करते हैं,
और हमारा धन्यवाद भी देते हैं। हम खुद ही बताते रहते हैं। आप सब हमारे साथ रहे, सुमित का, सुमित के पिताजी का, और आप सब हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लखनऊ में तो होम्योपैथिक की दवा आपके मुकाबले कोई नहीं देता डॉक्टर साहब।